आई होप कि हाय आप सब अच्छे होंगे। सो अभी जो है गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अभी सुबह के बज रहे हैं 6, 5 बजे उठे थे हम, फटाफट रेडी हो गए और मैंने पिंक कलर का सूट डाला है। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं जागेश्वर के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में निकलेंगे तो जो है जाम हम नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम जल्दी निकल रहे हैं। अभी चाय कुछ नहीं पिए, रास्ते में पिएंगे चल के। तो अभी चलते हैं जागेश्वर, फिर आपसे रास्ते में बात होगी। अभी हम लोग रूम ब्लॉक करते हैं, फिर इसके बाद आएंगे। विशाल जो सामने वाला रूम है उसमें है, फोन करके यू ना बहुत अच्छा है यहाँ पे, सच में बहुत अच्छा है। देखो आप लोग यहाँ पे पहाड़ जो है एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं, बैक कैमरे से आपको मैं दिखाती हूँ। और यहाँ हमने गाड़ी पार्किंग कर रखी है और ये जो होटल है सुनीता माउंट व्यू है, सुनीता माउंट व्यू। तो अभी जो है रूम की चाबी देने गए हैं अंदर, ये वो आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हैं। बस यहाँ यही होता है कि आप कर लेना ब्रज जागेश्वर 8 किलोमीटर धारचूला, हम लोगों को भी यहाँ जाना है। बाकी ब्रज जागेश्वर दिखा दो ठीक है, वापसी में आके यहाँ को भी चलेंगे और यहाँ के भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। बस बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ, चलेंगे फिर जाके फिर ठीक है। हाँ क्योंकि यहाँ पर भी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब कोई अपनी बिल्डिंग बना रहा है। रहने का कुछ मजा ही कुछ और होता है, एक बार आइए और यहाँ के लुत्फ उठाइए। ठंडो बनियान तो हमारी पहन लो ना, रखी है हमारे रखी है हमारे, हम तो ला रहे हैं पहन लो पहन लो, कुछ नहीं पहने ना तो हमारी बनियान पहन लो।
तो हाफ टी शर्ट पहन लो। अरे पहन लो, क्या है अंदर तो रहेगी। चलो अभी रहने दो, अभी रहने दो, फोटो पहले खींच ले, साइड हो जाओ, अभी गाड़ी आ रही है। धाम मतलब यहाँ से स्टार्टिंग, और यहाँ का व्यू इतना सुंदर है यार सुबह। और पता है अल्मोड़ा में अभी भी इस टाइम भी मतलब अप्रैल मई चल रहा है, तो मई में भी इस टाइम भी जो है गर्म कपड़े वहाँ पे पहने जा रहे हैं, अभी भी गर्म पहन रहे हैं। और सुबह के टाइम ना हम लोगों पे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मतलब जो भी आएगा ना, तो ये मई के टाइम भी आएगा ना यहाँ पहाड़ों पे, तो यहाँ भी जो है हल्की फुल्की ठंड सी रहती है, तो अभी भी यहाँ ठंड है। सुबह पता सच में ये गर्म कपड़े हम लोग लेकर नहीं आए कुछ भी, तो यहाँ पे पता सुबह सुबह ठंड लग रही थी। और मैंने तो कॉटन का सूट पहन रखा है, तो कॉटन में तो वैसे भी गिलकती ठंडा ठंडा रहता है, तो इसलिए हम लोग को बहुत ठंडी लग रही थी। और अभी भी पता है हमने एसी बिल्कुल भी नहीं चलाई है, रास्ते में बिल्कुल एसी नहीं चलाई, बिना एसी के आए हैं, वो भी पता है विंडो सारे बंद कर कर आए। तो यहाँ पे अभी इस टाइम बहुत ठंडा मौसम है यार, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत शांति है यार, सच में बहुत ज़्यादा शांति। और यहाँ से अभी स्टार्ट हो गया है, मतलब जागे से स्टार्ट हो गया, यहाँ छोटे छोटे मंदिर पड़ते रहेंगे जो कि मैं वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगी, अभी चलूंगी ना जब वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी, छोटे छोटे बहुत मंदिर पड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट ही है। तो यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखो बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे, इतना सुंदर है जागे सर। ये देखो यहाँ पे सारे जो जितने पेड़ दिख रहे हैं सारे चीड़ के पेड़ हैं, सारे चीड़ के, बैक कैमरे से अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पेड़ यहाँ इतने लंबे हैं चीड़ के पेड़, बहुत अच्छा लग रहा है, शांति बहुत है यार। जब भी कभी भी किसी को टाइम घूमने का करे ना, सच में उत्तराखंड आप लोग आना, जागेश्वर आना, नैनीताल आना, अल्मोड़ा आना, पिथौरागढ़ आना, ये सब कुछ रास्ते में पड़ता चला जाएगा पहाड़। तो बस अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैं पहन लो, पहन लो, अरे पहन लो, क्या है अंदर तो रहेगी। चलो अभी रहने दो, अभी रहने दो, फोटो पहले खींच ले, साइड हो जाओ, अभी गाड़ी आ रही है। को ऐसे ही मंदिर जागेश्वर में आपको सब जगह दिखेंगे, सारी रूटों पे ऐसे ही इसी तरह के जो है मंदिर छोटे छोटे पड़ते रहेंगे, अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, बहुत मंदिर पड़ने वाले हैं ऐसे बहुत सारे। और जो हम मेन मंदिर जा रहे हैं ना, वहाँ भी इसी टाइप का मंदिर है, और वहाँ पे जो है ना विवाह मूवी की जो है शूटिंग हो रखी है, गाना है, मतलब गाना मुझे याद नहीं है, बट विवाह मूवी की एक शूटिंग जो है वहीं पे हुई है एक गाने की। सो जहाँ पे आपको लेके चलेंगे ना अभी मेन मंदिर जागेश्वर का, वह मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी कौन सी मूवी की शूटिंग हुई, और जिस मूवी की शूटिंग हुई, जिस गाने की, मैं साइड में यहाँ पे ना फोटो उसका ज़रूर लगाऊंगी, देखना आप लोग। और यहाँ ये लोग बाइक से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं बाइक के, तो आगे चलते हैं। फिर देश्वर मंदिर जो कि जागेश्वर मंदिर से पहले पड़ेगा, तो पहले हम लोग यहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ प्रसाद चढ़ा देते हैं, ये देखिए मंदिर, और ये आप लोग बोर्ड देखना, और यहाँ पहले प्रसाद चढ़ाएंगे हम लोग। Thank you.
जय हमारे गणेश भगवान यहाँ भोले बाबा मतलब शिव जी हमारे विराजमान है यहाँ पे, नंदी बाबा जो पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई, और यहाँ पे है हमारे मुख्य शिवलिंग। यहाँ बताते हैं कि ये शिवलिंग 8वीं शताब्दी सर धाम पहुँच गए हैं, और अभी आपको लेके चलेंगे मंदिर। और आज कुछ भीड़ ज़्यादा लग रही है पहले से, जब हम पहले आए तो भीड़ नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत भीड़ है क्योंकि घूमने के लोग इसी टाइम आते हैं, अप्रैल मई में या मार्च अप्रैल मई में ही आते हैं, तो इस बार भीड़ भी है। तो दिख रही होगी आपको भीड़। कुछ दिक्कत है जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। चलो अंदर है ना। अरे भैया यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे, अभी बाद में जाएंगे। यही है हाँ, धुल लेना अंदर। नहीं बंद हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सब लोग यहाँ रुद्र अभिषेक कराते हैं, यहाँ पे आके ये रुद्र अभिषेक कराए जो मंदिर जीते ना, छोटे छोटे पूजा कराते हैं सब। तो अभी आगे चलते हैं और है मंदिर। यहाँ छोटे छोटे ना बहुत सारे मंदिर हैं, घूम घूम के परेशान आ गए, लेकिन मंदिर भी होने वाले बहुत सारे मंदिर हैं। टीका कितना अच्छा लग रहा है ना। तो वो भी मंदिर के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और लॉकडाउन में ये हम लोग आए थे ना, तो ये कपाट बंद थे, मतलब खुले तो थे, अंदर नहीं जा सकते थे, अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो इस बार हमने बहुत अच्छे से अंदर जाके दर्शन किए। और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पे विराजमान है। तो एक तो हमारी हो गई है, एक तो पहले भी हो गई थी, तो एक में हम लोग हो लिए। 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें से एक ये भी ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ हुई थी विवाह मूवी की जो सॉन्ग है ना, वो उसकी यहाँ पे शूटिंग हुई थी यहीं पे। तो ये तो देखें, मैं यहाँ पे जो है वीडियोस लगा दूंगी, आपको देख लेना। जी है देखो, दो चार दिन में
रुक जाओ और आप लोग ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये वाला पेड़, इसमें बताया हम लोगों को कि शिव और पार्वती दोनों का वास है। आपको नीचे से ना ये दो दिखेंगे, सॉरी अब नीचे से आपको एक दिखेगा, ऊपर जाके ये दो हो जाएंगे। अभी मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाऊंगी, ये मतलब दोनों ज्वाइंट है पर नीचे से जो है एक ही लगेगा। आप अभी आ रही, थोड़ी सी वीडियोस बना लो। इधर लाओ फोन लाओ। वो जल अभिषेक करा रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे जल अभिषेक कराते हैं इसी टाइम पे, अप्रैल मई में भीड़ होती है यहाँ बहुत। ये फोटो ले रहे हैं ऐसे राउंड वाले कुछ ऐसे देख लेते। यहाँ पे थोड़ा सा खाना ना खाएंगे या नाश्ता करेंगे जो भी करेंगे, क्योंकि आगे हमें जाना है अभी और ऊँचे पहाड़ों पे। तो अभी हम कहाँ जाएंगे तो यहाँ अभी खाना खा लेते हैं और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम अभी बताओ। इसके आगे गंगोली घाट जाएंगे। तो इस वीडियो का मैं एंड यहीं पर करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो बस टाटा बाबा सी हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा ना आप लोग ज़रूर देखना गंगोली घाट का। और कहते हैं कि उस ज्योतिर्लिंग के जिसने भी दर्शन कर लिए ना वो सारे चार धाम की यात्रा हो जाती है, मतलब उस ज्योतिर्लिंग के जिसने भी दर्शन करे चार धाम की यात्रा हो जाती है, मानी जाती है। तो इस बार हमने सोचा कि हम वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। तो अभी आप लोग को भी लेके चलेंगे और हमारे हम लोग कर पाएंगे तो वीडियो देख के आप लोग भी कर पाएंगे। जो मांगना है आप लोग भी मांग लेना। तो बाय बाय।